नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान इतला नेट जीआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकल के आई है और ये वैकेंसी ड्यू के टॉप कॉलेज से निकल के आया है, जिसको कि नैक से ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है। और यहाँ पे कोई भी फी, अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। एससी एसटी समुदाय से आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ 57,700 रुपए आपकी सैलरी होगी और यहाँ पे डीआरएम अलाउंस, एचआरए, क्योंकि ये मेट्रोपोलिटन सिटी में आपका जॉब लोकेशन है, तो यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी 80,000 से 85,000 तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर पहुंच जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी अवेलेबल है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि उस सब्जेक्ट का हम ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी लेकर आए और उस सब्जेक्ट का आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको प्रिपरेशन आसानी से हो सके। जहां रिटेन एग्जाम है और जहां इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन है, वहां इंटरव्यू में भी गाइडेंस हमारे तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। देखिए, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत और जूलॉजी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं टोटल 11 सब्जेक्ट है। लगभग जो मेन सब्जेक्ट है उसमें सारे सीटें अवेलेबल है। ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये डीयू के टॉप कॉलेज में से एक है, हंसराज कॉलेज से निकल के आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का टॉप कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का है, ठीक है। और ए प्लस ग्रेड आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसको मिला है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल है। तो देखिए, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है अपने संबंधित सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, इसके अलावा आपने नेट या सेट या पीएचडी कर रखी है, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन मेन यहाँ पे है यूजीसी नेट आपका होना चाहिए और 55% पीजी में होना चाहिए। अगर पीजी प्लस नेट है 55% के साथ, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपका होगा। जहां पे पीजी और यूजी का नंबर का वैल्यू रहेगा, नेट का वैल्यू रहेगा, पीएचडी का वैल्यू रहेगा, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर होगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट का। तो इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पे दे रखा है कि द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये देखिए, 21 को तो यहाँ है, लेकिन ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये 29 तारीख को आया था। तो आप यहाँ पे आपको जो डेट है लगभग कह सकते हैं कि इस महीने के 10 तारीख तक आप इस फॉर्म को कम से कम तो फिल कर ही सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक साथियों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन की जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। हायर एजुकेशन से संबंधित कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। साथियों, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.